मैं एक प्रश्न यहां से पूछता हूं आप सबसे। एक आदमी फैक्ट्री लगाता है, वो साबुन बनाता है, वो साबुन कितने का बिकेगा ये वो खुद तय करता है। एक आदमी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री खोलता है, वो कपड़े कितने के बिकेंगे उसके ऊपर दाम वो खुद डालता है। लेकिन वो किसान जो अपना अनाज खुद उगाता है, वो अपने अनाज की कीमत खुद तय करने का अधिकार आज तक उसे क्यों नहीं मिला? मैं चार पंक्तियां आपके हवाले से देता हूं कि मुनाफे में कभी जज्बात का सौदा नहीं करते, मुनाफे में कभी जज्बात का सौदा नहीं करते, बहुत झुककर किसी से हम भी समझौता नहीं करते, बहुत झुककर किसी से हम भी समझौता नहीं करते, और वही कीमत लगाते हैं किसानों के पसीने की, कभी जो एक मुट्ठी धान भी पैदा नहीं करते। एक दिन एक बच्चा हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में बगल में पढ़ता है, हमने उससे पूछा बेटा तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया? बोला आज हमको लॉर्ड राम की स्टोरी पढ़ाई गई। मैंने कहा भगवान राम तो सुना था, लॉर्ड राम कौन है? हमने कहा बताओ बेटा क्या पढ़ाया गया? बोले एक बार अयोध्या एक सिटी थी, वहां के किंग थे दशरथ, उनके तीन क्वीन थी। एक बार छोटी वाली क्वीन कैकेयी से उनकी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा ऐसा करो बड़े वाले सन राम को फॉरेस्ट में भेज दो। उन्होंने राम को फॉरेस्ट में भेज दिया, उनके साथ राम की वाइफ सीता भी गई, छोटे वाले भाई लक्ष्मण भी गए। वहां पे जो लंका का किंग था उसने सीता को किडनैप कर लिया। इससे राम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने लंका के किंग का मर्डर कर दिया। अब भाई साहब मेरे ये समझ में नहीं आया कि आने वाली पीढ़ी जिसको ये नहीं पता है कि वध में और मर्डर में क्या अंतर होता है, वो क्या संस्कार लेकर के आगे जाएगी। मैं एक ऐसा नाम आपके बीच खड़ा करना चाहता हूँ, मैं बहुत कमजोर तालियां बजाई, मैं एक नाम आपके बीच और खड़ा करना चाहता हूँ जो इसी तरह के संस्कारों की बात करता है। भाई शानू वाजपेयी या पूर्व हमारे बीच में है, आप सब गाँव में रहते हैं और आपके घर के रिश्तेदार शहरों में रहते होंगे। एक बात आप उनको अक्सर करके सिखाया करते होंगे, मैं वो बात आप तक पहुंचाता हूं कि भिगोई उसने कुछ तहरीर यू आंखों के पानी से, भिगोई उसने कुछ तहरीर यू आंखों के पानी से, मेरा किरदार ही गायब हुआ मेरी कहानी से। और न जाने किस कदर मसरूफ मतलब होता है बिजी, न जाने किस कदर मसरूफ है माँ बाप दोनों ही, नया बचपन सबक लेता है घर की नौकरानी से। एक बार जोरदार तालियां भाई शानू वाजपेयी अपूर। मुस्कुराना भी जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है, क्योंकि रोना तो हम लोग पैदा होते ही सीख जाते हैं। मैं चार पंक्तियां माँ वागेश्वरी के चरणों को छूकर मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थित को प्रणाम करता हूँ। आप सब एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे हौसला प्रदान करें, मैं शुरुआत करता हूँ। माँ वागेश्वरी के चरणों में एक क्षण रख के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ कि ज्ञान का प्रकाश भर बुद्धि का विकास कर अंधकार मातु सब आपने मिटाया है। ज्ञान का प्रकाश भर बुद्धि का विकास कर अंधकार मातु सब आपने मिटाया है। गीत के ही बंद लिखूं, छंद के प्रबंध लिखूं, कल्पना का साज मातु आपने सजाया है। कविता से मान मिला, जग में सम्मान मिला, गहनत मेरे पथ आपने दिखाया है। लेखनी में धार धरूं, काव्य से प्रहार करूं, कलम चलाना मातू आपने सिखाया है। मैं अपनी जिन्होंने मुझे जन्म की माँ क्या होती है, बुरी नजरों से हरदम बचाती है माँ। माँ क्या होती है, बुरी नजरों से हरदम बचाती है माँ, भूखी रहकर भी मुझको खिलाती है माँ। बुरी नजरों से हरदम बचाती है माँ, भूखी रहकर भी मुझको खिलाती है माँ। जिद करने लगे ये दुबेटा कभी भी, चांद को थाल में रख दिखाती है माँ, चांद को थाल में रख दिखाती है माँ। मैं चार पंक्तियां वीर सैनिकों के चरणों में समर्पित करता हूँ जो एक देश की सीमा पे तैनात रहते हैं कि कोई मौसम भले हो मगर थकते नहीं देखा, कोई मौसम भले हो मगर थकते नहीं देखा। कहते होते सैनिक कोई मौसम भले हो मगर थकते नहीं देखा, कभी भी फट से पीछे उन्हें हटते नहीं देखा। लिखते जो सदा इतिहास है अपने लहू से, कभी भी मौत के आगे उन्हें झुकते नहीं देखा, कभी भी मौत के आगे उन्हें झुकते नहीं देखा। मैं चार पंक्तियां सैनिकों के लिए, जितना लिखा जाए वो कम है,
सैनिक हर स्थिति में देश के लिए भगवान होते हैं, चाहे देश में भूकंप आए, सुनामी आए, हर स्थिति में भगवान बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। एक क्षण रखता हूँ सैनिकों के लिए कि शत्रुओं की कोई गोली जिसे भेद नहीं पाई, शत्रुओं की कोई गोली जिसे भेद नहीं पाई, ऐसी फौलाद की चट्टान बन जाते हैं। शत्रुओं की कोई गोली जिसे भेद नहीं पाई, ऐसी फौलाद की चट्टान बन जाते हैं। लाखों देश भक्तों के वंश का है अंश जिनमें, ऐसे शहीदों की पहचान बन जाते हैं। लुटा दिए है प्राण पर झुकने दिया नसीस, लुटा दिए है प्राण पर झुकने दिया नसीस, पूरे देश का ही स्वाभिमान बन जाते हैं। आई हो विपत्ति चाहे जैसी विदेश में, किंतु हर विपदा में भगवान बन जाते हैं, हर विपदा में भगवान बन जाते हैं। बहुत अच्छा, मैं चार पंक्तियां रखता हूँ। एक नेता ऐसा हुआ जो सच्चे अर्थों में नेता था। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जोश में भी होश कभी जिसने लखोया अपना, जोश में भी होश कभी जिसने लखोया अपना, ऐसे क्रांति वीर उस रोष को प्रणाम है। जोश में भी होश कभी जिसने लखोया अपना, ऐसे क्रांति वीर उस रोष को प्रणाम है। जोश में भी होश कभी जिसने लखोया अपना, ऐसे क्रांति वीर उस रोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो आजादी तुमको मैं दूंगा, ऐसे उद्घोषक के उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उखाड़ कर फेंक दिया, देशभक्ति से भरे कोष को प्रणाम है। आजाद हिंद फौज का गठन किया जिसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है। क्या पंक्तियां मैं आज के युवा पीढ़ी को किसके कदमों में चलना चाहिए, उस स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि भक्त थे अनन्य मातु कालिका भवानी के वो, भक्त थे अनन्य मातु कालिका भवानी के वो, सर्वधर्म सम्मति की बात सिखला गए। भक्त थे अनन्य मातु कालिका भवानी के वो, सर्वधर्म सम्मति की बात सिखला गए। बने सिवा परम हंस जैसे संत के, बने सिवा परम हंस जैसे संत के, मार्ग अध्यात्म का वो हमें दिखला गए। बलो भक्त किंतु अंध भक्ति भी है ठीक नहीं, अन्याय पूरी तिथि प्रथा को झुठला गए। और बोलने को कहा गया शिकागो में शून्य पर बोल कर शून्य का महत्व बतला गए, बोल कर शून्य का महत्व बतला गए। चार पंक्तियां मैं अक्सर देखता हूँ, किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति को देखकर कब क्या लिखता है कि रोटियां मिली नहीं तो खाली पेट सो रही हैं, रोटियां मिली नहीं तो खाली पेट सो रही हैं, देख दस अखियों से नीर बहने लगा। रोटियां मिली नहीं तो खाली पेट सो रही हैं, देख दस अखियों से नीर बहने लगा। तन ढकने को जिनको वस्त्र भी मिले नहीं, मन मेरा उनकी ही पीर कहने लगा। आसमानी छत लिए घर जिन्हें मिला नहीं, दर्द का उनके दिल तीर सहने लगा। दीनता से दीन दयनी दशा देख देख, दीनता से दीन दयनी दशा देख देख, पोर पोर मेरा भी अधीर रहने लगा, पोर पोर मेरा भी अधीर रहने लगा। चार पंक्तियां और देखेगा कि दूर काम क्रोध मद लोभ और मुंह से, दूर काम क्रोध मद लोभ और मुंह से, मानव को सभ्य व शालीन होना चाहिए। इंसान को किस प्रकार का होना चाहिए कि दूर काम क्रोध मद लोभ और मुंह से, मानव को सभ्य व शालीन होना चाहिए। दूर काम क्रोध दूर काम क्रोध मद लोभ और मुंह से, मानव को सभ्य व शालीन होना चाहिए। जो धर्म धैर्य त्याग मर्यादा से हो परिपूर्ण, हर एक कर्म में प्रवीण होना चाहिए। ईश्वर ने माना जिसे ईश्वर का अवतार, मत पित्त भक्ति में ही लीन होना चाहिए। द्वेष और लालच को दूर रखे जो सदैव, द्वेष और लालच को दूर रखे जो सदैव, तन मन खुद के अधीन होना चाहिए, तन मन खुद के अधीन होना चाहिए। जब तालियां नहीं बजती है तो कभी कभी तालियों से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन तालियों से कवि को हौसला मिलता है कि उसकी बात आप सबके पास पहुंच रही है। एक क्षण देखेगा, मस्ती का क्षण है कि ससुराल सुना सुना लगता है जीजा जी को, ससुराल सुना सुना लगता है जीजा जी को, यदि ससुराल में जो होती नहीं तालियां, ससुराल सुना सुना लगता है जीजा जी को, यदि ससुराल में जो होती नहीं सालियां। चोर उचकों के भी मुंह ना खुलते तब तक,
चोर उचकों के भी मुंह ना खुलते तब तक जब तक थानेदार देता नहीं गालियां। पेट में भी चूहे फिर कूदते हैं लगातार, भर पेट भोजन की मिलती न थालियां। पेट में भी चूहे फिर कूदते हैं लगातार, भर पेट भोजन की मिलती न थालियां। कविता भी कवि की फीकी पड़ जाती तब श्रोताओं की जोरदार बनती न थालियां। श्रोताओं की जोरदार बनती न थालियां। यहाँ पे अधिकतर सभी लोगों की शादियां हो चुकी हाथ में ली कि शादी के बाद इंसान किस प्रकार कार्य करता है। हाँ। कि हाथ में लिया ये हाथ जब से तुम्हारा मैंने, प्यार वाले सपने भी आते नहीं रात में। सिंहावलोकन का छंद है कि हाथ में लिया ये हाथ जब से तुम्हारा मैंने, प्यार वाले सपने भी आते नहीं रात में। और रात में मिलूं कैसे होती ना मुलाकात, लड़की भी आती नहीं अब मेरी बात में। लड़की भी आती नहीं अब मेरी बात में। ओ बात में आएगी कोई अब भला मेरे कैसे, पत्नी जी रहती जब मेरे साथ में। बात में आएगी कोई अब भला मेरे कैसे, पत्नी जी रहती जब मेरे साथ में। वो साथ में रहती तो करता बस वही काम, रहता है मेरा रिमोट उसके हाथ में। रहता है मेरा रिमोट उसके हाथ में। जय हिंद।